subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नेक्स्ट आता है अपना सेकेंड एप्लीकेशन क्लस्टर एनालिसिस एंड विजिटर सेगमेंटेशन। तो क्लस्टर वैसे तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, बट मैं एक बार और बता देता हूं आपको। देखो, जो भी डेटा हमारे पास होता है, ठीक है, मान लो हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल है, हम इस डेटा को क्लासिफाई करना चाहते हैं। ये हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है तो हमें क्लस्टरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम वहाँ पे डायरेक्टली सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स को यूज करके और कर सकते हैं। बट अगर अनसुपरवाइज्ड है तो मान लो हमें यहाँ पे क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और क्लस्टर्स के अंदर सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि किस क्लस्टर में किस टाइप की वैल्यूज लेने, ठीक है। मान लो यहाँ पे सारा का सारा न्यूमेरिकल डेटा है, मैंने यहाँ पे दे दिया 10, कि 10 के आसपास की वैल्यू जितनी भी हो वो इस क्लस्टर में आनी चाहिए। और मैंने यहाँ दे दिया 100, यानी कि 100 के आसपास की जो वैल्यू हो वो सारी की सारी सेकंड क्लस्टर में आनी चाहिए, ठीक है। यानी क्लस्टरिंग का मतलब क्लासिफाई हम करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से रिलेटेड सारी वैल्यू इस क्लस्टर में आ जाएगी, 100 से रिलेटेड इसमें आ जाएगी। ये 10 और 100 यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सेंट्रोइड वैल्यूज है, ठीक है। क्लस्टरिंग इज ए डेटा माइनिंग टेक्निक दैट ग्रुप्स टुगेदर ए सेट ऑफ आइटम्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लस्टरिंग मेनली क्या है, डेटा माइनिंग टेक्निक है, जो कि जो भी डेटा आइटम्स होते हैं उनको ग्रुपिंग करने के काम आती है। और ग्रुपिंग किस बेस पे करते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार में, जो सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इन द यूजेस डोमेन देर आर टू काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग क्लस्टर्स दैट कैन बी डिस्कवर्ड, और वो दोनों कौन से, यूजर क्लस्टर और पेज क्लस्टर, ठीक है। ये दोनों आपके टाइप्स हैं। तो यहां पे देखो, क्लस्टरिंग ऑफ यूजर रिकॉर्ड्स की सबसे पहले हम बात करते हैं। दो टाइप के हम यहाँ पे क्लस्टर्स डिस्कवर कर सकते हैं, और फर्स्ट है हमारा यूजर रिकॉर्ड्स के बेस पे। यूजर क्लस्टरिंग की हम बात करते हैं, सेशंस एंड ट्रांजेक्शंस, यहाँ पे दो चीजें हम इंक्लूड करने वाले हैं, एक तो सेशंस और दूसरा उस पेज से रिलेटेड और उस यूजर से, यूजर के बीच में जो ट्रांजेक्शंस है उसको अपने बेस बना सकते हैं, ठीक है। User records is one of the most commonly used analysis tasks in web usage mining and web analytics. तो mainly जो user records है, ठीक है, उनको हम यहाँ पे base बना सकते हैं और वो web usage mining के अंदर important role play कर सकते हैं। Because of जितने भी transactions होते हैं, actually वो usage data होता है ना, और सेशन तो हम इंक्लूड करते ही है। क्लस्टरिंग ऑफ यूजर्स टेंड्स टू एस्टैब्लिश ग्रुप्स ऑफ यूजर्स एक्सिबिटिंग सिमिलर ब्राउजिंग पैटर्न, है ना, वही चीज है यहाँ पे। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम क्लस्टर्स को बनाते हैं। तो ये तो कॉमन क्लस्टरिंग की बात हो गई, और जब हम केवल यूजर रिकॉर्ड्स की या यूजर क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे हम सिमिलर पैटर्न्स की बात करेंगे, कि यूजर का बिहेवियर जो है वो किस टाइप का है, यूजर किस बिहेवियर में वर्क कर रहा है, किस पैटर्न में वर्क कर रहा है, वो कौन से पेज को पहले प्रेफर कर रहा है, देन वो कौन सा पेज पे मूव कर रहा है। तो ये पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना।
अगर मल्टीपल यूजर्स सेम पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक रूल बन जाता है कि है ना, इस पेज से ये इस पेज पे मूव कर रहे हैं इतने यूजर, इट मीन्स ये दोनों पेज आपस में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गली कोरिलेट करते हैं. सच नॉलेज इज स्पेशली यूजफुल फॉर इनफेरिंग यूजर्स डेमोग्राफिक्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म मार्केट सेगमेंटेशन इन ई कॉमर्स एप्लीकेशंस और प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड वेब कंटेंट टू द यूजर विद सिमिलर इंटरेस्ट. ठीक है, इससे देखो इस ये जो पैटर्न हम फाइंड करते हैं, ठीक है, सिमिलर ब्राउजिंग पैटर्न्स जिसको हम बोलते हैं, मतलब किस यूजर ने ब्राउज जो किया, यानी जो वेबसाइट्स को विजिट किया वो किस वे में किया, पेजेस को किस सीक्वेंस में विजिट किया. ठीक है, तो ये अगर हम फाइंड कर लेते हैं, एक पैटर्न हम फाइंड कर लेते हैं कि 100 यूजर्स में से 90 यूजर्स का ये पैटर्न रहा. ठीक है, तो ये जो नॉलेज है, ये जो पैटर्न हमने फाइंड किया, ये यूजफुल है आपका बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यूजफुल है ई कॉमर्स जो एप्लीकेशन है उसके अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे ये रोल प्ले करता है कि किस कस्टमर का बिहेवियर जो है वो क्या रहा, किसने कौन से प्रोडक्ट को मेनली विजिट करने के बाद दूसरा कौन सा प्रोडक्ट विजिट किया, या कौन सा परचेज करने के बाद दूसरा परचेज किया. ठीक है, तो ये मेनली पर्सनलाइज्ड वेब कंटेंट के रूप में यहाँ पे देखा जाता है. ट्रांजेक्शन क्लस्टर्स ऑब्टेन्ड इन दिस वे कैन रिप्रेजेंट यूजर और विजिटर सेगमेंट्स बेस्ड ऑन दियर नेविगेशनल बिहेवियर और अदर एट्रीब्यूट्स दैट हैव बीन कैप्चर्ड इन द ट्रांजेक्शन फाइल. अगर हम पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन क्लस्टरिंग की बात करें जो यूजर से रिलेटेड होता है ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन के अंदर देखो मेनली जो भी आपका यूजर होता है या विजिटर होता है, ठीक है, तो उसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है वो मेनली इंपॉर्टेंट होता है. और ये हम किस टाइप से हम इसका नेविगेशनल बिहेवियर जो है वो फाइंड कर पाते हैं. नेविगेशनल बिहेवियर का मतलब है कि मेनली जो सीक्वेंस है, विजिटिंग सीक्वेंस है, वही नेविगेशनल बिहेवियर होता है. यानी हम किस प्रकार से कस्टमर्स को या यूजर को हम नेविगेट कर सकते हैं कि अच्छा आप अभी इस पेज पे हो तो उसको सजेस्ट करें कि हम आप इस पेज पे जाओ, ये पेज इससे रिलेटेड है या ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, है ना. तो एक नेविगेशन हम उसको प्रोवाइड करवाएं. हाउएवर ट्रांजेक्शन क्लस्टर बाय देमसेल्व आर नॉट एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कैप्चरिंग द एग्रीगेटेड व्यू ऑफ कॉमन यूजर पैटर्न. ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें एग्रीगेटेड व्यूज की, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो एग्रीगेशन के लिए इतना स्ट्रॉन्गली वर्क जो है वो आपका नहीं करने वाला. ईच ट्रांजेक्शन क्लस्टर में पोटेंशियली कंटेन थाउजेंड्स ऑफ यूजर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग हंड्रेड्स ऑफ पेज व्यूज रेफरेंसेस. यानी प्रत्येक जो ट्रांजेक्शन हमारा होता है, ट्रांजेक्शन क्लस्टर जो हमारा होता है, यानी एक क्लस्टर का मतलब जो एक क्लस्टर के अंदर हम कौन से ट्रांजेक्शन को रखेंगे जो सिमिलर प्रॉपर्टी को वहां पे फॉलो कर रहे हो, है ना, कहीं ना कहीं सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उसको हम एक एक क्लस्टर के अंदर रखेंगे. तो मे बी ये जो है वो थाउजेंड्स हो सकते हैं या मे बी लैक्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे यूजर ट्रांजेक्शन जो है उस क्लस्टर के अंदर हो सकते हैं जो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं. ठीक है, और उसमें से भी इन्वॉल्विंग हंड्रेड ऑफ पेज व्यू रेफरेंसेस, उसमें भी मतलब हंड्रेड्स ऑफ पेज व्यू जो सीक्वेंसेस है वो भी सेम हो सकती है, पेज व्यू रेफरेंसेस जो है वो भी मैच कर सकते हैं ना. द अल्टीमेट गोल इन क्लस्टरिंग यूजर ट्रांजेक्शन इज टू प्रोवाइड द एबिलिटी टू एनालाइज ईच सेगमेंट फॉर ड्राइविंग बिजनेस इंटेलिजेंस
और टू यूज देम फॉर टास्क सच एज पर्सनलाइजेशन। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट गोल की बात की जा रही है कि ट्रांजेक्शन जो क्लस्टरिंग है उसका मेनली पर्पज क्या हो सकता है, तो अल्टीमेट गोल जो है वो क्लस्टरिंग के अंदर मेनली यूजर ट्रांजेक्शन प्रोवाइड द एबिलिटी, है ना, ये मेन प्रोवाइड द एबिलिटी टू एनालाइज ईच सेगमेंट फॉर ड्राइविंग बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस को रन करने के लिए जो एबिलिटी, जो एक रिक्वायरमेंट होती है कुछ रूल्स की, या जो हम ये कह सकते हैं कि कुछ टेक्निक्स स्ट्रेटजीज की, उन स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। देखो जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, जो भी किसी भी कंपनी को ले लो आप, किसी भी कंपनी की अगर कोई नई पॉलिसी बनती है, उस नई पॉलिसी के लिए कम से कम पुराना 5 से 10 साल का डेटा एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, वेबसाइट्स हैं, अगर उनको कस्टमर्स के लिए कुछ डिफरेंट पॉलिसीज डिजाइन करनी है, कुछ मान लो रिटेनिंग सिस्टम्स डिजाइन करना है, किस प्रकार से कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सेल बढ़ाई जा सके, तो उसके लिए कम से कम उनको प्रीवियस 5 ईयर्स के वहाँ ट्रांजेक्शन जो है वो एनालिसिस करने पड़ेंगे। कस्टमर्स का बिहेवियर एक्चुअली क्या रहा है ना, कस्टमर अगर छोड़ के गए तो क्यों छोड़ के गए, उसके पीछे रीजन ढूंढते हैं वो। वन स्टेट फॉरवर्ड अप्रोच इन क्रिएटिंग एन एग्रीगेट व्यू ऑफ ईच क्लस्टर इज टू कंप्यूट द सेंट्रोइड ऑफ ईच क्लस्टर, ठीक है, जिसको मीन वेक्टर भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म यूज की गई है, इस प्रकार से देखो हम यूज करते हैं। मोर फॉर्मली गिवन ए ट्रांजेक्शन क्लस्टर CL, अगर एक ट्रांजेक्शन क्लस्टर CL हमें दिया जाए, वी कैन कंस्ट्रक्ट द एग्रीगेट प्रोफाइल PR प्रोफाइल हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमें मेनली ट्रांजेक्शन क्लस्टर दिया जाए तो। एज ए सेट ऑफ पेज व्यू वेट पेयर बाय कंप्यूटिंग द सेंट्रोइड ऑफ क्लस्टर। तो यहाँ पे प्रोफाइल का फॉर्मूला देखो दे रखा है, पी वेट ऑफ पी कोमा जो भी आपकी प्रोफाइल है, पी यहाँ पे पेज व्यू मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है, और वेट पेज व्यू और प्रोफाइल, ठीक है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए हमेशा न्यू वैल्यू से, यानी एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे उससे हमेशा ये ज्यादा होना चाहिए, वो एग्रीगेट फंक्शन हम यूज करते हैं। वेयर द सिग्निफिकेंस वेट वेट ऑफ पेज व्यू कोमा प्रोफाइल ऑफ द पेज पी विद इन द एग्रीगेट प्रोफाइल पी आर क्लस्टर सी एल है, यहाँ पे ध्यान रखना प्रत्येक क्लस्टर के रेफरेंस में हम यूज करें, इज गिवन बाय वेट ऑफ पेज व्यू एंड प्रोफाइल ऑफ क्लस्टर इक्वल टू 1 बाय मोड ऑफ क्लस्टर, यानी हम पॉजिटिव में लेंगे, हमेशा एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू लेंगे, और समेशन ऑफ वेट पेज व्यू कोमा एस, एस यहाँ पे आपका बिलोंग करेगा किससे, क्लस्टर से, ठीक है, और यहाँ पे सी एल जो है वो इज द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन क्लस्टर सी एल, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड डब्ल्यू पी एस यानी ये अगर हम देखें तो देखो इसका मीनिंग क्या है, इज द वेट ऑफ पेज पी इन ट्रांजेक्शन वेक्टर एस, है ना, ट्रांजेक्शन वेक्टर एस के अंदर पेज पी का कितना वेटेज है ऑफ क्लस्टर सी एल, एंड द थ्रेशहोल्ड ये हम एग्रीगेट हमारी वैल्यू होगी, थ्रेशहोल्ड वैल्यू होगी, यानी एक पर्टिकुलर लिमिट स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं कि इससे
या तो कम होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए, हमें ऐसा एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, उसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं. इज यूज टू फोकस ओनली ऑन दोज पेजेस इन द क्लस्टर दैट अपियर्स इन सफिशियंट नंबर ऑफ विजिटर्स इन द क्लस्टर, है ना. जैसे मान लो आपने थ्रेशोल्ड डिसाइड कर दिया कि कम से कम 5 तो होना ही चाहिए, तो अगर कोई पेज 5 से कम विजिटर्स वहां पे इंक्लूड कर रहा है तो हम उसको कैलकुलेशन से बाहर कर देंगे. यहाँ पे देखो कुछ क्लस्टर्स दिए गए, क्लस्टर 0, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, और कुछ पेजेस दिए गए ए बी सी डी ई एफ, है ना. 6 पेजेस यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे यूजर्स दिए गए. क्लस्टर 1 के अंदर 0 के अंदर 3 यूजर्स हैं, क्लस्टर 1 के अंदर यहाँ पे 4 यूजर्स हैं, और 2 के अंदर यहाँ पे 3 यूजर्स हैं. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने क्लस्टर 1 के लिए देखो डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट प्रोफाइल्स फ्रॉम वेब ट्रांजेक्शन क्लस्टर्स, हमने क्लस्टर 1 के लिए यहाँ पे एग्रीगेट प्रोफाइल यूज किया, एग्रीगेट प्रोफाइल फॉर क्लस्टर 1, है ना. इस प्रकार से आप 0 के लिए भी बना सकते हो, 2 के लिए भी बना सकते हो. अब बनेगा कैसे ये देखो. सबसे पहले यहाँ पे पेज ए की अगर हम बात करें तो पेज ए को यहाँ पे 3 यूजर्स ने विजिट किया है, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.075, ठीक है. 4 में से 3 है, 3/4 हो गया, ठीक है. ए जो है वो 3/4 हो गया, 3/4, ठीक है. और आपका जो पेज है बी, तो पेज बी यहाँ पे आप देख सकते हो चारों यहाँ पे है, तो यहाँ पे 4/4 हो गया, सो 1 हो जाएगा यहाँ पे. और पेज उसके बाद आपका पेज सी, तो पेज सी केवल 1 यूज कर रहा है, देन पेज सी 0.25 हो जाएगा, ठीक है, 1/4. और यहाँ पे पेज ये दोनों 0-0 हैं, तो ये बच गया लास्ट एफ, एफ भी पूरा यूज करें, यानी 4/4, यानी 1. इस टाइप से आप इसके मेनली एग्रीगेट प्रोफाइल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है. 1 0.75 और 0.25, ओके. हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए. धन्यवाद.